दुनिया और भारत के उन महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत करूं। भारत की आबादी है 135 करोड़। भारत में कुल पॉजिटिव जो केसेस हैं वह 28 लाख से ऊपर हैं, जो अब तक रिकवर हुए हैं लगभग 21 लाख से ज्यादा लोग अब तक रिकवर होकर के जा चुके हैं, स्वस्थ होकर जा चुके हैं, और 7 लाख के आसपास अभी एक्टिव केस हैं। मृत्यु भारत के अंदर लगभग 55,000 के आसपास है। अगर प्रति 10 लाख में केस हम देखें तो 2,000 केस प्रति 10 लाख में भारत के अंदर हैं, और प्रति 10 लाख में मृत्यु देखेंगे तो यह केवल 39 मृत्यु है, 39 मृत्यु प्रति 10 लाख में है। मृत्यु दर भी भारत की 1.7 के आसपास है। लेकिन अगर हम इसी की तुलना में ब्राजील और अमेरिका के आंकड़े देखें तो अमेरिका की कुल आबादी 32,72,000 है, यानी लगभग 33 करोड़ है अमेरिका की कुल आबादी। वहां पे पॉजिटिव केस 58 लाख से ज्यादा है, एक्टिव केस अभी भी वहां पर 25 लाख से ज्यादा है, मृत्यु 1,77,000 से अधिक है। प्रति 10 लाख पे 17,000 से अधिक वहां पर केस हैं, पॉजिटिव केस हैं, और मृत्यु प्रति 10 लाख में 532 और मृत्यु दर 3.1%। ब्राजील 21 करोड़ की आबादी का देश है, वहां पर कुल पॉजिटिव केस लगभग 35 लाख से ज्यादा है, एक्टिव केस 7.5 लाख के आसपास है, मृत्यु 1,11,000 से ज्यादा है। प्रति 10 लाख पर 16,000 से अधिक पेशेंट हैं, और मृत्यु दर अगर हम देखेंगे प्रति 10 लाख पर तो 523 है, और मृत्यु दर देखेंगे 3.2% है। यानी भारत ने लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से जागरूकता का जो कार्यक्रम चलाया और उसके बाद भी अवेयरनेस के कार्य की तस्वीरें जहां पर दो